स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से अभिनव के ट्रैक का अंत हो चुका है। शो में दिखाया गया है कि अभिनव ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाता है और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। अभिनव की मौत के ट्रैक से सोशल मीडिया पर काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। फैंस अपनी खुशी ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाहिर कर रहे हैं। ये अभिरा के फैंस हैं और वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनके मुताबिक अभिनव के किरदार के कारण ही उनकी फेवरेट जोड़ी एक दूसरे से अलग थी और अब जब अभिनव इस दुनिया में नहीं है तो अभिरा एक हो जाएंगे। लेकिन अब अभिनव की मौत पर अभिरा के फैंस की खुशी पर जय सोनी का रिएक्शन भी सामने आया है। जी हां, जनता के रिएक्शन देख जय भी अपने दिल की बात कहने से नहीं चुके और उन्होंने ट्रोल्स की बातों पर खुलकर अपनी बात जाहिर की। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान सोशल मीडिया पर मिल रहे नेगेटिव रिएक्शंस के बारे में बोलते हुए जय सोनी ने कहा कि उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पसंद है। जय कहते हैं, शुरुआत में भी ऐसा ही हुआ था लेकिन फिर मैं वास्तव में क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए या अपना काम। मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ और अच्छा परफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और बाकी जनता पर छोड़ रहा हूँ। जय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अगर मैंने इस पर ध्यान दिया होता तो मैं उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाता। मैंने इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। दिन के अंत में हर किसी की राय अलग अलग होती है और मैं इसे बदल नहीं सकता। मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर सकता हूँ, अन्यथा मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वहीं जब जय से सवाल किया गया कि क्या इन नेगेटिव कमेंट्स से उन पर असर पड़ता है तो उन्होंने आगे कहा, कुछ मिनटों के लिए इसका असर होता है लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि ये नए विचारों के साथ एक नया दिन है और हम जीवन में वापस आने की कोशिश करते हैं। मुझे एक परिवार चलाना है। मैं ट्रोल्स के बारे में नहीं सोच सकता कि वो घर बैठे और कुछ ना करें। मुझे अपने लेखकों को, अपने निर्देशकों को, अपने निर्माता को खुश करना है। वहीं जय ने आगे अपने उन फैंस के बारे में बात की जो लगातार उन पर अपना प्यार बरसा रहे हैं और शो में उन्हें मिस कर रहे हैं। जय कहते हैं, ऐसे लोग हैं, ऑडियंस हैं, जो मेरे परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, तो अगर मैं ट्रोल का सुनता रहूं, तो उनके लिए और शो के लिए परफॉर्म कैसे करूंगा। वहीं जय ने आगे ये भी कहा कि वो अपने किरदार को काफी मिस करने वाले हैं। आपको बता दें कि जय सोनी की एग्जिट के साथ ही अब शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। खबरें हैं कि मेकर्स ने कहानी में कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट प्लान किए हैं जिससे ट्रैक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा।